हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोज़गार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देखना, फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या एक नई अपडेट आई है। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, हरियाणा में सोलर योजना चलाई है। फ्रेंड्स, इसके बारे में एक नई अपडेट आई है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया गया है कि घरों में सोलर सिस्टम लगवाने की योजना चलाई गई है। फ्रेंड्स, इसके विशेष जानकारी बताई गई है, आपको बताई जाएगी। आइए चलते हैं वीडियो पर। चंडीगढ़ से अपडेट आई है। फ्रेंड्स, सोलर योजना के बारे में इसमें बताया है कि सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश। इसमें बताया है कि हरियाणा में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार घरों में सोलर सिस्टम लगवाने की योजना लागू की है। योजना के तहत सूचीबद्ध फर्मों से सोलर सिस्टम लगवाने पर 3 किलोवाट तक 40% व 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की 20% सब्सिडी दी जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें इस योजना में आपको 20% सब्सिडी दी जाएगी। फ्रेंड्स, और इसमें एक और विशेष जानकारी बताई गई है। फ्रेंड्स, इसमें बताया कि सूचीबद्ध फर्मों से सोलर सिस्टम लगवाने पर 3 किलोवाट तक 40% और 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी दी जाएगी आपको। फ्रेंड्स, और बताया कि 1 किलोवाट सोलर की कुल लागत 45,780 रुपये है, और जबकि 40% छूट के बाद उपभोक्ता को लागत का 27,468 रुपये भुगतान करना होगा। 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत 91,560 रुपये है, 40% छूट के बाद उपभोक्ताओं को 54,936 रुपये भुगतान करना होगा। और इसमें बताया कि 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत 1,37,346 रुपये है, 40% छूट के बाद उपभोक्ताओं को लागत का 82,404 रुपये का भुगतान करना होगा। फ्रेंड्स, और इसमें 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत 1,83,120 रुपये और छूट के बाद उपभोक्ताओं को लागत का 1,19,028 रुपये का भुगतान करना होगा। और 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की लागत, फ्रेंड्स इसमें बताई है 2,28,900 रुपये और छूट के बाद उपभोक्ताओं को 1,55,652 रुपये का भुगतान करना होगा। इसमें बताया फ्रेंड्स, इसमें सभी किलोवाट के बारे में बताया, 6 किलोवाट, 7 किलोवाट, 8 किलोवाट, 9 किलोवाट और 10 किलोवाट के बारे में आप देख सकते हैं इसमें कितने की लागत है और कितने को आपको पड़ेगा। फ्रेंड्स, कितना भुगतान करना पड़ेगा इसमें पूरी जानकारी बताई गई, आप देख सकते हैं, वीडियो को स्किप करके आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, और इसमें एक और विशेष जानकारी बताई है। फ्रेंड्स, इस योजना में इसमें ये जानकारी बताई है। फ्रेंड्स, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम प्रबंध निर्देशक डॉक्टर बलकार सिंह ने बताया है कि 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाकर उपभोक्ता 1 साल के दौरान लगभग 6,000 रुपये तक की बचत कर सकता है, और इस सोलर सिस्टम पर होने वाले खर्च को 5-6 साल के लिए भीतर पूरा किया जाएगा। और निगम ने विभिन्न श्रेणियों के अनुसार प्रति किलोवाट के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सोलर योजना के बारे में, हरियाणा सरकार ने ये चलाई है। अगर आप इच्छुक है सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, आप ज़रूर लगवाएं। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यही जानकारी शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।